लाहौर में भी कश्मीरियों के हक की गूंज, कश्मीरियों के हौसले और अज़्म को सलाम। शहर भर में रैलियां, सेमिनार और तकारीब। जलते कश्मीर पर दुनिया के मुनसिफों की मुजरिमाना खामोशी की शदीद मजम्मत। निहत्ते कश्मीरियों की भरपूर सिफारती, इखलाकी और सियासी हमायत का इरादा। हर तरफ नारा, कश्मीर है हमारा। यौम यकजहती कश्मीर पर सियासी जमातों की रैलियां और कैंप। मुस्लिम लीग नून के अलहमरा से पंजाब असम्बली तक रैली, खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद भी शरीक। लीगी कारकुनों ने मोदी का पुतला नजरियातिश किया। परवेज मलिक का कहना है कि भारतीय मुजालिम सारी दुनिया के सामने हैं, कश्मीरियों का खून जरूर रंग लाएगा। पीपल्स पार्टी ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कैंप लगा लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर का कहना है कि मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए बिलावल भुट्टो को चेयरमैन कश्मीर कमेटी बनाया जाए। मसला कश्मीर हल करना मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं। कश्मीर पर ना कोई पॉलिसी है और ना कोई हिकमत अमली। हसन मुर्तजा बोले, कश्मीर का असल झगड़ा पानियों का है, आजादी तक अमन कायम नहीं हो सकता। लियाकत बलोच की क्यादत में जमात इस्लामी की मुस्लिम टाउन से मॉल रोड तक रैली, खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए नारेबाजी। लियाकत बलोच का कहना है कि कश्मीरी आजादी की जंग जीत कर रहेंगे। सियासी और मजहबी जमातें सड़कों पर, पंजाब हुकूमत गाफिल। सरकारी सतह पर हुकूमत ने एक भी तकरीब मुनक्किद ना की। हुकूमती सतह पर कोई तकरीब मेरे इल्म में नहीं। यौम कश्मीर पर तकरीब का इनेकाद होना चाहिए था। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान। मसीही बरादरी भी कश्मीरियों के दुख में बराबर के शरीक। कश्मीर डे पर इजहार यकजहती के लिए खसूसी तकरीब, कैथेड्रल चर्च में दुआया तकरीब। कश्मीरियों की भरपूर हिमायत जारी रखने का अज़्म। काफ़ली की दोस्ती जरूरी, हुकूमत सेक्रेटरी मादनियात की कुर्बानी देने को तैयार। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी मादनियात आलमगीर को हटाने का हुक्म दे दिया। सूबाई वजीर अम्मार यासिर के इस्तीफे के पीछे सेक्रेटरी से इख्तलाफ था। ज़राए तबादले के अहकाम मौसूल नहीं हुए। आलमगीर खान। नवाज शरीफ को दिल, गुर्दे, ब्लड प्रेशर, शुगर और खून की शरियानों का मर्ज है। खून, हार्मोन्स, दिल, टांगों और आंखों के टेस्ट किए। आज तमाम रिपोर्ट्स यकजा करके मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया। अद्वियात में मामूली रद्दोबदल की है। महकमा दाखिला को दिल के खसूसी इलाज की तजवीज़ दी। मरीज की मर्जी के बगैर टेस्ट रिपोर्ट नहीं बता सकते। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज की मीडिया ब्रीफिंग, कहा तमाम अमराज का पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है। नवाज शरीफ का सर्विसेज हॉस्पिटल में चौथा रोज। मरियम नवाज, परवेज मलिक, राणा तनवीर और लॉर्ड मेयर ने नवाज शरीफ की इयादत की। राणा तनवीर ने कहा, हुकूमत बताए किस से डील हो रही है। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक आवाम परेशान हैं। रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श का मतलब ये नहीं कि नवाज शरीफ को तकलीफ नहीं। नवाज शरीफ को सेहत की सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, नवाज शरीफ ने कारकुनों को कॉल दी तो कोई नहीं रोक सकेगा। हॉस्पिटल के बाहर लीगी कारकुनों का कैंप। नवाज शरीफ की जल्द सेहतियाबी के लिए कुरान खानी। महकमे पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल में दर्ज शिकायत पर कान नहीं धरते। डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को शिकायत लगा दी। बल्दिया उस्मा, वासा, LWMC, हेल्थ एजुकेशन और सुई गैस से मुतालिक शिकायत की रिपोर्ट इरसाल। सगिया पुल का एक ट्रैक बंद, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। पुल के जॉइंट की खस्ता हाली के बायस पुल ट्रैफिक के लिए बंद। नए जॉइंट की तंसीब के लिए ड्रिलिंग का काम जारी। और सरफराज अहमद, दौरे ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड कप तक कप्तान बरकरार। सरफराज अहमद कप्तान हैं और वर्ल्ड कप तक रहेंगे। चेयरमैन PCB एहसान मानी ने फैसला सुना दिया। सरफराज अहमद ने मुल्क के लिए बड़ी खिदमात सर अंजाम दी। तमाम फॉर्मेट में रिकॉर्ड शानदार है। एहसान मानी और कप्तान सरफराज अहमद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड कप में कप्तानी एजाज है। क्रिकेट बोर्ड की उम्मीदों और एतमाद पर पूरा उतरूंगा, सरफराज अहमद।